हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों कैसे हो आप? अच्छे होंगे। और दोस्तों आज फिर से मुलाकात हो रही आप लोगों से, आज फिर एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं बनाने जा रहा हूँ चिकन। तो चिकन में मैं आज आपको एक नई डिश बनाता हूँ जिसका नाम है पारमेसन चिकन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पारमेसन चिकन। तो इसके लिए मम्मी चिकन को एकदम थोक करके रख दिया है। थोक का मतलब होता है हम डिप से चिकन को निकालते हैं, फिर उसमें रनिंग वाटर में कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। जब हमारा चिकन रनिंग वाटर में अच्छी तरह से थोक हो जाता है तो हम इस तरह से हमारा चिकन थोक हो चुका है। और इसके बाद हम करेंगे इसकी कटिंग, और कटिंग करके हम आपको दिखाने वाले हैं कि हम चिकन ब्रेस्ट की कैसी कटिंग करेंगे और कैसे बनाएंगे पारमेसन चिकन। तो दोस्तों ये है मेरी एक बड़ी वाली किचन। इसमें हमारा है डिफर इंडियन चाइनीज टर्की थाई और कोल्ड सेक्शन, एक कोल्ड सेक्शन। तो दोस्तों यहाँ पर है हमारी एक इंडियन किचन और हमारी कोंटी किचन दूसरी जगह है, जो आजकल हम कोंटी किचन में नहीं, आज हम इंडियन किचन में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अब हम बनाने वाले हैं नई डिश। तो ले लिया है इस तरह से, और अब हम इसको करने वाले हैं साफ। तो साफ करने के लिए हम इसको इस तरह से काट देते हैं। ये हमारी चिकन ब्रेस्ट, ये हमारी सिंगल ब्रेस्ट हो चुकी है। और दोस्तों हम इसका सारा फैट, जो इस तरह से इसमें फैट होता है, उसको हम साफ कर देते हैं, फैट को हटा देते हैं। इस तरह से हमारा इसमें फैट होता है, जो चिकन ब्रेस्ट को हम एकदम इसे साफ कर देते हैं अच्छी तरह से। इस तरह से हम इसका फैट निकाल देते हैं। और ये हमारी चिकन, इसमें जो कुछ कभी हमारी चिकन में बॉन्स हो जाती है, बॉन्स चिकन लगी होती है, उसको भी हम हटा देते हैं। ये इसमें जो ब्रेस्ट है उसमें बॉन्स नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों साफ हो गई चिकन ब्रेस्ट। हम ले लेते हैं ये क्या, डिप करने वाले हैं जो हमने अपनी चिकन ब्रेस्ट को काट के इस तरह से बनाया था। हम ले लेते हैं पारमेसन चीज़, और इस तरह से हमने डाल दिए पारमेसन चीज़। और अब हम इसमें थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं चिकन पार्ट से, और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा फैट ग्राम। और दोस्तों अब हम इसमें डालने वाले हैं पेपरिका पाउडर। और इस तरह से हम इसको इसमें डालने वाले हैं हमारे पास हार्ड में डाल रखा है। इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से इसमें एक बेटर लगा देंगे। टिकल लगाने के बाद हम इसमें डिप करेंगे प्रॉन। इस तरह से हम इसमें प्रॉन लगाने वाले हैं। प्रॉन लगाने के बाद हम दूसरी हर में डालने वाले हैं, जो हमने हर मसाला रखा है, जो मसाला जो हमने बनाया है उसमें हम लगाने वाले हैं हर मसाला। हमने इसमें हर्ब लगा दिया है, जो हमने हर्ब मसाले वगैरह हमारा इसमें है, इस तरह से हमने इसको डिप कर दिया है। और अब हम इसको करने वाले हैं फ्राई।
डालने के बाद हम इसको कर देंगे फ्राई थोड़ा से। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये चिकन बिल्कुल पक के रेडी हो गया है। ये आ गया है इसमें गोल्डन गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। इस तरह से हमारा चिकन बनना चाहिए। हमारा ये चिकन और अब हम इसको करने वाले हैं बैग इस तरह से। और अब हमने इसमें डालने वाले हैं हरी लहसुन जो हमारी इस तरह से बन चुकी है। और ये हमारी बेसिल अरबिता सॉस। तो दोस्तों हमने इसमें डाल दिया अरबिता सॉस। अब हम इसमें डालने वाले हैं चीज। इस तरह से हम इसमें चीज डालने वाले हैं। और ये है हमारी जॉन चीज। हम चिकन के ऊपर स्टफ करने वाले हैं जॉन चीज। जॉन चीज के साथ हम डालने वाले हैं पारमेसन चीज। हमने इसमें डाल दिया है पारमेसन। और दोस्तों अब हम इसको करने वाले हैं बैग। और बैग करने के लिए हम इसको डालने वाले हैं ओवन में। और ये हमारा सिर्फ 2 मिनट में बैग हो जाएगा। इस तरह से तैयार हो गया है हमारा पारमेसन चिकन। और ये मैंने रोस्ट कर दिया है। से बन गया हमारा ये हार्वेसन चिकन। और अब हम इसको करने वाले पीसीस दोस्तों। इस तरह से हमने ये पीसीस कर दिए हैं। और ये हमारा अच्छी तरह से कुक्ड हो चुका है। और अब हम इसको करने जा रहे हैं सेल। तो दोस्तों इस तरह से हमारा बन गया है ये पारमेसन चिकन जो कि गेस्ट के लिए एकदम रेडी है। तो दोस्तों फिर मिलते रहेंगे नई नई रेसिपी के साथ, नई नई चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे। लगा मेरा वीडियो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। और तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।